छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई में कर्मचारी द्वारा शराब की दुकानों से कलेक्ट की गई रकम का गबन करने का मामला प्रकाश में आया है। कर्मचारी द्वारा 26,29,440 रुपए की राशि कलेक्ट की गई थी। आपको बता दें कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। कंपनी के मैनेजर के द्वारा 23 नवंबर को लिखित शिकायत पुलिस को दी गई थी। शिकायत में बताया गया कि कर्मचारी द्वारा शराब दुकानों से कलेक्ट की गई रकम 26,29,440 रुपए का गबन किया गया है। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच तफ्तीश शुरू की। जांच तफ्तीश के दौरान छत्तीसगढ़ के सुपेला पुलिस टीम के द्वारा आरोपी गोकुल प्रसाद देशमुख निवासी भिलाई को काबू किया गया। बता दें कि यह कंपनी में वॉल्ट सुरक्षा के पद पर पदस्थ था। उनके द्वारा यह राशि का गबन किया जाना पाया गया है। गबन की राशि से आरोपी गोकुल द्वारा 5,30,000 की सियाज कार, 2,00,000 की शेवरलेट कार, 30,000 का आईफोन, 35,000 का नोट फोन अपनी गर्लफ्रेंड के लिए व 25,000 गिफ्ट पर व अन्य पैसे अन्य चीज़ों पर खर्च किए गए। आरोपी से कुल 18,79,000 रुपये की सुपेला पुलिस द्वारा रिकवरी की गई। दुर्ग भिलाई से राजेंद्र गाड़े व धनंजय वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise।